सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 4.1, इसमें नीचे आरडी भी लिखा हुआ है। इसलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं एनसीईआरटी के जो आरडी शर्मा में भी हैं, तो जब आरडी शर्मा की वीडियो बनाते हैं तो उसमें अलग से हमको नहीं करना पड़ता, तो इसीलिए हमने आरडी को इसी के साथ में मर्ज कर दिया। जो क्वेश्चन इसके आरडी के होंगे आरडी में जाके फिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम 9th डिस्कस कर रहे हैं ये आरडी का 15th क्वेश्चन है, ये आरडी का 15th क्वेश्चन है। देखिए ये मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का टॉपिक है। इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो और इसके 1 to 8 क्वेश्चन का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको ज़रूरत लगे या आपने पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप इस क्वेश्चन पे आ गए हैं तो कृपया पहले उन्हें डिस्कस कर लें कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाया जाता है, ठीक है। अब उस मेथड पर नहीं जाएंगे क्योंकि फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं, फार्मूले वेरीफाई किए जाते हैं कि जो फार्मूले दिए हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो उसका तरीका क्या होता है, तो बताया ये गया कि भाई 3 स्टेप में इसको वेरीफाई करेंगे। स्टेप 1, एन की वैल्यू 1 रखेंगे और आप चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। स्टेप 2, एन की वैल्यू कोई भी एक के रख देंगे और ये मान लेंगे कि उस वैल्यू पर ये वैल्यू सही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सही है, और उसका यूज़ करते हुए के जस्ट बाद जो वैल्यू आती है K+1 पे इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ये तरीका होता है, तरीका कैसे क्या होता है ये हम पूरे इसके पहले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। स्टेप 1 पे हम आते हैं, क्या होता है स्टेप 1 में, फॉर एन इज इक्वल टू 1, यानी एन इज इक्वल टू 1 के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है या गलत है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका देखिए, एन इज इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पर एन की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, ध्यान रखिएगा। एन इज इक्वल टू 1 का मतलब एक स्टेप, 2 मतलब 2 स्टेप, 3 मतलब 3 स्टेप, तो LHS की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। फिर RHS में एन को 1 रख दीजिए, तो RHS में अगर एन को 1 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी 1 - 1/2, दिस विल आल्सो कम 1/2। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट गिवन है जिसको कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहा जाता है ये सही है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं स्टेप 2 पे, स्टेप 2 पे n इज इक्वल टू k पे इसको हम सही मान लेते हैं, प्रूफ नहीं करते हैं, स्टेप 2 पे मानेंगे कि लेट इट इज ट्रू। तो हमने मान लिया कि लेट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, सही है। तो के लिए हमने क्या किया, यहां एन को के ले लिया, तो जरा इसको एक सिमेट्री करने के लिए हमने इसको लिखा, ये 1/2 लिखा है, ये क्या लिखा है 1/2 स्क्वायर लिखा है ना, ये 1/2 क्यूब लिखा है ना, और ये 1/2 की पावर के इज इक्वल टू क्या आएगा, बड़ा गंदी मेरी राइटिंग है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, 1 - 1/2 की पावर के, हमने मान लिया दिस इज ट्रू, प्रूफ नहीं किया। स्टेप 3 थोड़ा टफ माना जाता है, स्टेप 3 में क्या करते हैं हम n को K+1 मानते हैं और हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट n इज इक्वल टू K+1 के लिए सही है या गलत है। तो इसके दो तरीके हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड में n को K+1 लिखेंगे, यानी इक्वेशन 1 में जो स्टेटमेंट दिया है प्रूफ करने के लिए उसके लेफ्ट हैंड साइड में n को K+1 लिखेंगे, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और राइट हैंड साइड में अपने आप n की जगह K+1 आ जाना चाहिए, ठीक है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह n को K+1 लिख देते हैं, दोनों साइड लेकर के चलते हैं और दोनों साइड इक्वल प्रूफ करते हैं, तो दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फॉर n इज इक्वल टू K+1, यानी इसके लिए हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट आर नॉट। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 फॉर n इज इक्वल टू K+1, हम इसके लिए इसको लेके चलते हैं, मतलब LHS लेंगे और n को K+1 लिखते हैं, ठीक है। जरा लिखते हैं,
देखिए क्या आता है, राइटिंग गंदी होने की वजह से हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं जिससे कि थोड़ा साफ साफ दिखाई पड़े। देखो अगर एन को के प्लस वन लिखेंगे तो ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा वन अपान टू प्लस वन अपान टू की पावर टू प्लस वन अपान टू की पावर थ्री और लास्ट में आएगा वन अपान टू की पावर एन को क्या लिखा आपने, के प्लस वन। तो आपको चूंकि इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है तो इसके पहले का स्टेप लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये के प्लस वन है और वो के है तो उसके पहले के ही तो आएगा ना, तो इसके पहले का स्टेप क्या आएगा जरा देखिए ध्यान से। यहाँ एक एक पावर बढ़ रही है, यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, तो दिस विल कम टू की पावर के, हैव यू गॉट इट। अदरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू देखो, क्या ये सेम चीज़ लिखी हुई है, लिखी है ना, तो इसकी जगह ये वैल्यू रखी जा सकती है। तो हम कहेंगे यूजिंग इक्वेशन टू तो यहाँ क्या लिखेंगे, वन माइनस वन अपान टू की पावर के, और वो पहले से वन अपान टू की पावर के प्लस वन है। अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आंसर ये आना चाहिए कि राइट हैंड साइड में अपने आप एन की जगह के प्लस वन आ जाना चाहिए, यानी ये आना चाहिए वन माइनस वन अपान टू की पावर के प्लस वन आना चाहिए। अब थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, देखो वन माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा टू टू पावर के और ये बचेगा टू टू पावर के प्लस वन, माइनस माइनस कॉमन लिया है ना हमने, तो वन माइनस यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, टू की पावर के प्लस वन, एक इससे इसको डिवाइड करोगे टू बचेगा तो आएगा टू माइनस वन, तो ये आ जाएगा वन माइनस वन अपान टू की पावर के प्लस वन। देखो यही तो राइट हैंड साइड आना है, तो आपने क्या किया, आपने कहा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन आल्सो, यानी ये आरएसएस के इक्वल है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन आल्सो, सो इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एन, ऑल द वैल्यूज ऑफ एन, हैव यू गॉट इट। ठीक है, इसका आप बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, वरना ये समझ में तो आ रहा होगा लेकिन बेसिक वहाँ बताया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, जो आरडी का क्वेश्चन नंबर 15 है।